हमारे इस्लाम में बहुत सारी अजीम शख्सियतें गुजरी हैं, जिसमें सबसे अजीम और अल्लाह के करीब हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानते हैं कि वो एक निहायत सादा ज़िंदगी गुजारते थे और मक्के में रहते थे। हम उनकी अज़्दवाजी ज़िंदगी के बारे में भी बखूबी जानते हैं। उन्हीं में से आज हम सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में पढ़ेंगे, जो उनकी बीवी रह चुकी है। सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का असल नाम ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। वो एक अरब के मशहूर कबीले के सरदार की बेटी थी। उनकी वालिदा का कबीला भी अरब में मशहूर समझा जाता था। वो अरब के मशहूर शहर खैबर में रहती थी। एक दफ़ा खैबर और मुसलमानों के दरमियान जंग होती है। उस जंग में मुसलमान फतेह हासिल कर लेते हैं, लेकिन खैबर वाले जंग हार जाते हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जो कैदी गिरफ्तार होते हैं उनको और सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया जाता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे कैदियों को आज़ाद कर देते हैं। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सुलूक बहुत अच्छा लगता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये इख्तियार भी देते हैं कि चाहे तो वो अपने कबीले वापस चले जाए, लेकिन हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुलूक इतना अच्छा लगता है कि वो उनकी बीवी बनना पसंद करती है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह कर लेते हैं। सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा निहायत रहमदिल सखावत खातून थी। एक दफ़ा वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना तशरीफ़ ले जाती है। वहाँ पे उनसे मिलने के लिए हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बेटी है, वो उनसे मिलने आती है। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपने तोहफे में अपने सोने के झुमके उतार कर देती है और उनके साथ आई हुई औरतों को भी इनाम में कुछ ना कुछ देती है। तो अगले हिस्से में हम हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे।